दूसरा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु लगभग जून से सितंबर तक रहती है। संपूर्ण भारत में लगभग 85 से 90% वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में भी वर्षा इसी समय होती है। इस समय तापमान, वायुदाब, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा की दिशाओं में अन्य ऋतुओं की तुलना में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में गिरावट आ जाती है क्योंकि नम हवाएं चलने लगती हैं। कृषि संबंधित सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। मानसून शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत में किया जाता था। अरब के सौदागर पालदार जहाज़ों से इन्हीं हवाओं के सहारे यात्रा करते थे। इन हवाओं को ये लोग मौसम कहते थे। अरबी भाषा में मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। इस प्रकार प्रत्येक साल वर्षा लाने वाली इन हवाओं को मानसून कहा जाने लगा। हवाओं का नाम उस दिशा से तय होता है जिस दिशा से वे आ रही होती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं और उत्तर पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने के कारण इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। सवाल यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। इसकी उत्पत्ति कई संदर्भों में समझी जा सकती है। पहला, मई जून में सूर्य ताप की अधिकता के कारण पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर द्वीप और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के समीप उच्च वायुदाब रहता है। इन्हीं दिनों अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब रहता है। इसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं उत्तर की ओर नहीं बढ़ पाती। मई के बाद अरब सागर में उच्च वायुदाब समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं तेजी से उत्तर पश्चिम न्यून वायुदाब केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। भूमध्य रेखा पार करने के बाद ये हवाएँ फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं और अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इनकी दिशा अब दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इन्हीं हवाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये पवने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। महासागरों के ऊपर से गुजरने के कारण इनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है जिससे ये अधिक वर्षा करती हैं। फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुख करके अथवा जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं, तो पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम सभी गतिमान वस्तुओं पर लागू होता है। दूसरा, धरती के तपने से भूमध्य रेखा के आसपास की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इसी वजह से भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से हवाएं इस क्षेत्र की ओर बहती हैं और यहां आकर आपस में मिल जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन ITCZ कहते हैं। साल भर सूर्य की सीधी किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं। इसलिए यह निम्न दाब क्षेत्र भी नियमित रूप से जगह बदलता रहता है। जून में सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तो निम्न दाब का यह क्षेत्र खिसक कर भूमध्य रेखा से दूर उत्तर की ओर चला जाता है। दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और निम्न दाब की यह पट्टी दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती है। इसके खिसकने से यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। तीसरा, इसी समय सतह से 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति की पवन का प्रवाह पूर्व से पश्चिम दिशा में आरंभ हो जाता है,
जो सतह पर ऊपर के विपरीत मानसून के पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले प्रवाह में सहायक होता है। मानसून भारतवर्ष में सभी स्थानों पर एक साथ न पहुंचकर अलग अलग तिथियों में पहुंचती है। सबसे पहले केरल में 1 जून को, मुंबई में 7 जून को तथा छत्तीसगढ़ में 15 जून के आसपास आती है। दक्षिण प्रायद्वीप के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक अरब सागर की ओर से, दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवाहित होती है। अरब सागरी मानसून, ये मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में वर्षा करती हैं। यह शाखा सबसे पहले भारत के पश्चिमी घाट से टकरा कर पश्चिमी तटीय मैदान में खूब वर्षा करती है। ये हवाएं जब पश्चिमी घाट को पार करती हैं तो पूर्वी ढाल में उतरते समय इनमें नमी कम हो जाती है एवं ये गर्म व शुष्क हो जाती हैं, इसलिए इस भाग में वर्षा कम होती है और यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। मुंबई में जून से सितंबर तक लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पुणे में 50 सेंटीमीटर। नर्मदा की घाटी से मानसून अंदर की ओर जाती हुई छोटा नागपुर के पठार पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिलकर वर्षा करती है। इसी का एक भाग काठियावाड़, कच्छ की ओर से राजस्थान के रेगिस्तान में प्रवेश करता है। राजस्थान का अरावली पर्वत इन पवनों के समानांतर पड़ता है, इसलिए यह पवनों को रोक नहीं पाता और इस क्षेत्र में साल में औसत 20 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। उत्तरी शाखा गुजरात व राजस्थान से होते हुए हिमालय क्षेत्र तक बिना किसी अवरोध के पहुंच जाती है। इस भाग में ऊंचाई पर उष्ण और शुष्क हवा स्थित होने से मानसून की आर्द्रता समाप्त हो जाती है, फलतः इस उपशाखा के रास्ते में वर्षा बहुत कम होती है।